माइस एमआईटी पुणे, एक ऐसा शिक्षा समूह जिसमें 54,000 से अधिक छात्र 63 से अधिक संस्थाओं में विभिन्न शिक्षा शाखाओं में अध्ययन करते हैं। माइस एमआईटी बेहतरीन शिक्षा के साथ ही बेहतरीन वास्तु रचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण। एमआईटी शिक्षा समूह के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जो शिक्षा से तो मैकेनिकल इंजीनियर है परंतु वृत्ति से एक उत्कृष्ट रचनाकार तथा संकल्पनाकार है, जिन्होंने इन सारी इमारतों को अपनी संकल्पना और सौंदर्य दृष्टि से निर्मित किया है। इन विविध गुंबदाकार इमारतों ने वास्तव में मानो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को अभिवादन किया है। आइए देखते हैं इन बेहतरीन इमारतों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण। इंडो रोमन शैली में रचित यह है विश्व शांति लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो कि एमआईटी कोथरूड कैंपस में है। इसके केंद्र स्थान में बसा है तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की एक सुंदर मूर्ति, जो ज्ञान का संदेश देती है। व्यवस्थापन शास्त्र का प्रशिक्षण देने वाली यह है एमआईटी स्कूल ऑफ बिजनेस की इमारत। कोथरूड प्रांगण में ही बनी एक और बेहतरीन इमारत, जहां पर बसे हैं सिविल इंजीनियरिंग तथा कुछ अन्य विभाग। कोथरूड कैंपस की इस मध्यवर्ती सड़क पर खड़ा है ये भव्य कमानाकृति प्रवेश द्वार। मॉरल साइंसेस विभाग की ये गोलाकार इमारत सभी को आकर्षित करती है। प्राचीन भारतीय सूत्र सप्त ऋषि, सप्त सूर व सप्त रंग से प्रेरित राजबाग स्थित विश्व शांति गुरुकुल का ये संकल्प चित्र। और यह है वास्तव में निर्मित इसी विश्व शांति गुरुकुल की कुछ छवियां। नाविक अभियांत्रिकी का प्रशिक्षण देने वाले मैनेट की यह मुख्य इमारत तथा इसी अहाते में निर्मित ट्रेनिंग शिप विश्वनाथ, जो भारत के केवल गिने चुने संस्थाओं में ही उपलब्ध है। भारतीय चित्रपट सृष्टि के एक श्रेष्ठतम कलाकार राज कपूर जी की याद ताजा करने वाला ये है राज कपूर मेमोरियल। इसकी स्थापत्य कला पूर्व एशिया के पैगोडा रचना से प्रेरित है। राजबाग से सिमट कर बहने वाली मुला मुठा नदी पर बना हुआ है ये विश्वराज बांध, जिसकी स्थापत्य प्रेरणा डॉक्टर विश्वनाथ कराड ने उस्मानाबाद जिले में स्थित प्राचीन नलदुर्ग प्रासाद की जल प्रणाली से ली है। 7 सुरों के नामों पर बने 7 गुंबद और बीचों बीच अनाहत नाथ का एक प्रतीक एक विशाल मध्यवर्ती गुंबद, ये एकमेवा द्वितीय तथा बेहतरीन रचना है विश्व शांति संगीत कला अकादमी के इमारत। डॉक्टर कराड सर की स्थापत्य संकल्पना का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। लातूर स्थित MIMSR मेडिकल कॉलेज का ये विहंगम दृश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाली एक भव्य तथा सुंदर रचना। प्राचीन भारत के मंदिर शैली को अधोरेखित करने वाली बार्शी स्थित विश्व शांति गुरुकुल की ये भव्य इमारत। वाखरी पंढरपुर स्थित CBSE पाठ्यक्रम का पाठ सिखाने वाला ये है विश्व शांति गुरुकुल। इसकी भेंट करने के लिए मानो श्री विठ्ठल रुक्मिणी स्वयं अपने देवालय से निकलकर आते हैं। आलंदी स्थित इस रमणीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का किसका मन नहीं करेगा। भागवत धर्म का ये 145 फुट ऊंचा गरुड़ ध्वज तथा सुवर्णांकित पताका मानो विश्व शांति का संदेश पूरे संसार को दे रहे हो। श्री क्षेत्र आलंदी में इंद्रायणी नदी के दोनों तटों पर बने ये सुंदर और मजबूत घाट इस बात की पुष्टि देते हैं कि भक्ति और सृजनता जब एक हो जाते हैं तो पत्थरों में भी जान आ जाती है। लोक शिक्षा का ये विश्व रूप दर्शन मंच श्री क्षेत्र आलंदी की सुंदरता को और भी वृद्धिंगत करता है।
इसकी संकल्पना से लेकर साकार होने तक केवल 55 दिनों का समय लगा। ज्ञान कर्म वो भक्ति योग का ये महान द्वार। श्री क्षेत्र देहू के भाविकों का भावपूर्ण स्वागत करता है। विश्व का शायद सबसे बड़ा गुंबद राजबाग में तैयार हो रहा है। इसका व्यास 160 फुट है। इस विशालतम गुंबद तथा संपूर्ण विश्व शांति प्रार्थना सभा गृह की संकल्पना रचना डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर की है। विश्व शांति प्रार्थना सभा गृह की ओर जाने वाले बन रही है 70 फुट ऊंची कमान। भारतीय संस्कृति परंपरा व तत्वज्ञान की एक बेहतरीन मिसाल। MIT की स्थापत्य विश्व में आपका हार्दिक स्वागत।